महेंद्र राष्ट्रीय शिक्षा सदन में नए सत्र में बच्चों को टीका लगाकर किया गया स्वागत। लखीमपुर खीरी मोहल्ला काशीनगर स्थित महेंद्र राष्ट्रीय शिक्षा सदन में आज नए सत्र में के पहले दिन बच्चों को टीका लगाकर मुंह मीठा कराया गया तथा प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ द्वारा बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। एक अलग तरह की परंपरा स्कूल के द्वारा की गई, जिसे स्कूल स्टाफ के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। प्रधानाचार्य कोमल पाठक ने हमारे संवाददाता से कहा कि आज हमारा स्कूल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं उच्च शिक्षित और ट्रेन है तथा हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही खेलकूद, शारीरिक गतिविधि, समय ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण और निबंध लेखन या कला संबंधित प्रतियोगिता भी करवाते हैं। साथ ही उन्होंने स्कूल के सदस्यों तथा शिक्षाविदों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे यहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव ज्ञानेंद्र सक्सेना, महासचिव राकेश श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, रघुनंदन ओझा, प्रधानाचार्य कोमल पाठक तथा विद्यालय के प्रोफेसर, जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु पांडे और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं स्थापित रहे। अंत में प्रधानाचार्य कोमल पाठक द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं का विद्यालय के सचिव सदस्यों तथा आए हुए अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात के चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा, ये स्कूल जो आपका चल रहा है, तो ये इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, और कब से ये चल रहा है, कब से आप इसमें यहाँ पे हैं? जी देखिए, ये इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। इंग्लिश मीडियम में कक्षा 5 तक है, बाकी हिंदी मीडियम हमारा इंटर कॉलेज है। हमारे यहाँ आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, तीनों साइड की मान्यता है। हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, स्पोर्ट्स है, इंडोर गेम है, और हर साल टूर लेके जाते हैं। और गरीब बच्चों के लिए जो है छात्रवृत्ति की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं,
वो लोग गरीब बच्चों को और अपने पास से मतलब बोलो तो अपनी जेब से वो लोग उनकी फीस भरते हैं। आसपास के एरिया के जितने भी स्कूल हैं, किसी भी स्कूल का क्या होता है, रूल गलत नहीं होता है, बट हम ये सोचते हैं कि हम अपने गार्जियन को अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाए। कितने बच्चे आपके स्कूल में होंगे इस समय मैम? और इस साल जो आपके नए एडमिशन हुए हैं? अभी तो चल रहा है एडमिशन। अभी चल रहे हैं? नहीं, फिर अब तक कितने एडमिशन हो गए होंगे? अभी 20 एडमिशन हो गए। ओके, और आपके जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में ज़रा आप बताएं कि वो क्या क्वालिफिकेशन और किस तरह से वो बच्चों को मैनेज करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सब ट्रेंड हैं, कुछ एक दो टीचर अनट्रेंड भी हैं, बाकी जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं वो बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं और बल्कि दे भी रहे हैं। हमारे यहाँ का जो रिज़ल्ट है 100% आता है और पिछले एक दो सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो हमारे स्कूल के बच्चे टॉप 10 लिस्ट में भी आए हैं। और एक टीचर हमारे यहाँ PhD भी है, डॉक्टर सानिया कुमार। और बच्चों को जो स्पोर्ट्स है उसमें क्या क्या सुविधाएं आप अपने स्कूल की तरफ से देती हैं, या उसके लिए कोई टीचर है आपके पास इस तरह से? हमारे यहाँ गेम टीचर्स भी हैं, बाकी स्पोर्ट्स के लिए जैसे हम बाहर क्रिकेट खिलाने लेके जाते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, बाकी इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं। और आउटडोर गेम्स में? गेम्स में जैसे बच्चों को बाहर ले जाना खिलाने के लिए या और भी तरह तरह की एक्टिविटीज़, क्रिकेट वगैरह। ये नया सत्र शुरू हो रहा है तो इस अवसर पर आप जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस हैं या नगर वासियों को, लखीमपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नया वर्ष है, पिछला जो भी वर्ष बीता उसमें कुछ अच्छा भी रहा, कुछ ख़राब भी रहा, तो हम चाहते हैं जो ख़राब रहा उसको हम और बेहतर बनाएं और जो अच्छा है उसको और अच्छा करना चाहते हैं। खासकर हमारे स्कूल की यही प्रेरणा रही है अभी तक कि हम अपने गार्जियन को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे कम शिक्षा मतलब सबसे कम शुल्क में अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसलिए पैसे के पीछे किसी भी गार्जियन का कोई बच्चा पढ़ने के लिए ना रह जाए, ऐसी हम लोगों की मतलब धारणा है और आगे ईश्वर से यही कृपा है कि सब पढ़े सब पढ़ें। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्र प्रभात चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे आज विद्यालय में महेंद्र राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में यहाँ पर आकर बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया है। और मेरा नाम अनुपमा श्रीवास्तव है और मैं संस्था का एक सदस्य भी हूँ। और ख़ास बात है कि मैं यहाँ पर लगभग 2 साल से इंग्लिश के जो छात्र हैं, इंग्लिश जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या हायर एजुकेशन वाले, उनका मैं क्लास भी लेता रहता हूँ। और अगर इस विद्यालय की एक खास बात देखें तो विद्यालय तो शहर में बहुत सारे, लेकिन महेंद्र राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज एक शिक्षा के माध्यम से, एक सांस्कृतिक शिक्षा जो कि एक बहुत बड़ी कमी है आज की, वो यहाँ पर बच्चों को प्राप्त हो रही है, जिससे कि अभिभावकगण काफ़ी प्रसन्न हैं।